भाईजान, कोई जरूरी बात थी आपने बुलाया हम दोनों को? ऐसी कौन सी बात है जो आपने सुबह सुबह हम लोगों को मीटिंग पे बुला लिया? तुम्हारी सास जल्दी कर रही होंगी शादी करने की। अगर ये बात है तो आप उनको साफ साफ इनकार कर दें। नहीं नहीं, बात कुछ और है हमारी माँ। तुम्हारे लिए एक रिश्ता है। वाह, ये तो खुशखबरी है। फौरन बताओ थारा, कौन है लड़का, क्या करता है, किसने प्रपोजल भेजा है, अच्छा दिखने में कैसा है? तुम चुप होगी तो मैं कुछ कहूंगा। अच्छा सॉरी। वो मेरा जो दोस्त है फारूक, उससे तो तुम दोनों मिल चुके हो। बोला है रिश्ता? नहीं, उसने अपने लिए प्रपोजल दिया। अपने लिए? हाँ हाँ, 10 साल पहले उसकी वाइफ का इंतकाल हो गया था। 2 बच्चे हैं उसके यंग, और माली लिहाज से भी अच्छा है, कारोबार भी अच्छा है, मैं जाती तौर पर भी जानता हूँ। तो वो भी चाहता था कि उसे भी किसी का साथ मिल जाए। मगर बाबा, आप तो अम्मू की शादी किसी बच्चों वाले से नहीं करना चाहते थे। हाँ, अगर बच्चे छोटे होते तो मैं कभी नहीं करता, लेकिन उसके बच्चे बड़े, अपनी लाइफ में मसरूफ है, तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। और हाँ, उसके बच्चों की भी एक ख्वाहिश है कि वो दूसरी शादी कर ले। मैमा जी, भाईजान देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारा। अगर तुम खुशी से हाँ कहोगी तो मैं हाँ करूंगा, वरना इनकार कर देंगे। मैं क्या कह सकती हूँ भाईजान, आप देख लें। वाह भाई, अम्मू शादी आपकी हो रही है, फैसला भी आपका होगा ना? अच्छा खासा है, माली लिहाज से भी बहुत मजबूत है, अखलाकी तौर पे भी उसका किरदार बहुत अच्छा है, 2 बच्चे हैं और शादीशुदा, वो काफी अच्छे से मेरे साथ है, मैंने कोई गलत एक्टिविटीज भी नहीं देखी उसकी। मुझे बहुत पसंद है, हैंडसम और डैशिंग है ना, लेकिन अम्मू की पसंद बहुत अहमियत रखती है। देखो कोई जल्दी नहीं है, अच्छी तरह से सोच विचार करो फिर बता देना मुझे। सोचना कैसा भाईजान, अगर आप मुतमईन है तो मुझे कोई इतराज नहीं। बात मेरे मुतमईन होने की नहीं है, तुम्हारी खुशी की। मेरी खुशी तो वही है जो आपकी खुशी है, और मुझे यकीन है कि मेरे लिए आप कभी को गलत फैसला कर ही नहीं सकते। मैं आती हूँ भाई जी। मां गई, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अम्मो अम्मो।